बॉलीवुड की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक थ्री इडियट्स के सिक्वल की खबर अब पक्की हो गई है। कुछ दिन पहले ही इस फिल्म के सिक्वल को लेकर फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने भी बताया था कि वो जल्द ही इस पर काम करेंगे और लगता है कि अब फिल्म के स्टार कास्ट ने काम करना शुरू भी कर दिया है। तभी तो ओरिजिनल फिल्म की फीमेल लीड स्टार कास्ट करीना कपूर इससे खफा है। करीना ने सोशल मीडिया पर इससे संबंधित एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि मेरे बगैर इस फिल्म का सिक्वल कैसे बन सकता है। करीना कपूर ने अपने इस वीडियो में यह भी कहा कि उन्होंने शर्मन आमिर और आर माधवन को सिक्वल के बारे में प्रेस मीट करते हुए देखा है, उन्हें क्यों नहीं बताया गया, ये सब तब हुआ जब वो छुट्टी पर थीं। प्लीज ये मत कहना यह शर्मन की किसी मूवी का प्रमोशन है। अपनी शिकायत में करीना यह भी कहती हैं कि वायरस यानी बमन ईरानी को फोन लगाकर वो इस बारे में पता करेंगी कि थ्री इडियट्स के सिक्वल में कितनी सच्चाई है। I just got to know कि when I was on holiday that these three were up to something. This press conference का clip that is going around is from that secret that these three are keeping from us. Like something is fishy. And please don't say that this is Sharman का some movie promotion. I think they are gunning for a sequel. But only these three. Like how can, without me, I don't think even Baman knows about this. Calling Baman right now to check, आखिर चल क्या रहा है यार? This smells like a sequel for sure. करीना कपूर खान के बाद फिल्म में वायरस के नाम से पॉपुलर हुए एक्टर बमन ईरानी भी सिक्वल पर अपनी मुहर लगाते हुए नाराजगी जाहिर करते हैं। उनका कहना है कि उन्हें भी नहीं पता कि क्या चल रहा है। बमन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस सिलसिले में लिखा है कि तुम लोग वायरस के बिना ही थ्री इडियट्स के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, ये तो अच्छा हुआ कि करीना ने मुझे फोन करके बता दिया है, अब मैं जावेद को फोन करके कंफर्म करता हूँ, पक्का जावेद जाफरी को कुछ न कुछ जरूर मालूम होगा। Whatever you guys up to, it's out already and the clip has become viral. तुम लोग वायरस के बिना थ्री इडियट्स के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, ये तो अच्छा है कि करीना ने मुझे फोन करके बता दिया। आई वुड नेवर हैव नोन ओनली, दिस इज नॉट फेयर गाइस, कुकिंग अप समथिंग दिस बिग एंड नॉट इवन इन्फॉर्मिंग अस, इज दिस योर डिसेंसी? वेयर इज द फ्रेंडशिप? आई थॉट वी वर फ्रेंड्स। छोड़ो यार फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि जावेद इसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसको फोन लगा। अरे जावेद को फोन लगा भाई, एंड प्लीज कट, आई डोंट वांट माय एंगर टू बी सीन बाय द वर्ल्ड। अभिनेता जावेद जाफरी ने भी इस खबर पर हैरानी भरा रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि मैं असली रैंचो हूँ, मेरे बिना फिल्म का पार्ट टू कैसे बन सकता है, वो तो छोटे था। सोशल मीडिया पर जावेद जाफरी ने लिखा है कि करीना कपूर और बमन के बिना ही पार्ट टू बना रहे हैं और मुझे भी नहीं लिया, जो कि रियल रैंचो मैं ही था। अब जरूर इस पर फाइनली राजकुमार हिरानी सर ही जवाब देंगे। हालांकि अभी फिल्म के प्रोड्यूसर की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। नॉर्मली मैं ये सब करता नहीं हूं, बट बुरा लगा तो आज की ताजा खबर सुनी। देखिए, थ्री इडियट्स पार्ट टू बना रहे, वो भी बिना ओरिजिनल रैंचो के। सीरियसली, यू गाइस नो राइट, आई वाज द ओरिजिनल रैंचो, ये तो छोटे था। आइकॉनिक चीज साथ में मिलके बनाई थी, तो सीक्वल भी साथ में मिलके बना दी। मोना डार्लिंग, डिड यू नो अबाउट दिस? दर्शक इस फिल्म का सीक्वल चाहते हैं। अब देखना यह है इस फिल्म के पार्ट टू के लिए खुशखबरी कब आती है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।